अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रहा कि हमारा आदित्य L1 से भी अधिक शक्तिशाली यान नासा ने 12 अगस्त 2018 को लॉन्च कर दिया था, जिसका नाम था पार्कर सोलर प्रोब, जिससे ऐसी जानकारी निकलकर बाहर आया कि इसरो का आदित्य L1 को भी पीछे छोड़ डाला, जिसको जानने के लिए पूरा देश बेसब्री से इस मिशन का इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर अब खुशी देखने को मिल रही है। दोस्तों, अब नासा का टच द सन मिशन पार्कर सोलर प्रोब सूरज के सबसे पास पहुंचने वाला यान होगा। ये अब तक सूरज के पास जितने यान भेजे गए हैं उसमें सबसे ज्यादा नजदीक से सूर्य को देखेगा ये यान, और सूर्य की प्रदक्षिणा करके सूर्य का अध्ययन करेगा। सूर्य को इतना पास से देखने वाला ये पहला यान होगा। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज को छूकर कैसे रचा इतिहास, यकीन करना मुश्किल। 20 करोड़ डिग्री की गर्मी के पार नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार सूर्य को छूकर विज्ञान की दुनिया में इतिहास रच दिया है। यह एक ऐसा कारनामा है जिसे कभी असंभव माना जाता था। गर्मी से बचाने के लिए उपकरण एक ऐसी सामग्री से बनाया गया था जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सूर्य की कोई ठोस सतह नहीं है, लेकिन इसका वातावरण बहुत गर्म होता है, जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बलों, सूर्य के कोरोना द्वारा सूर्य से जुड़ा होता है। वहीं कोरोना सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, जहां मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्लाज्मा को बांधते हैं और सौर हवा को बाहर निकलने से रोकते हैं। नासा के अनुसार पार्कर सोलर प्रोब की सफलता तकनीकी नवाचार से कहीं आगे तक जाती है। इस अंतरिक्ष यान की ऐतिहासिक उपलब्धि ने सूर्य के बारे में सदियों पुराने रहस्यों से पर्दा उठाने की उम्मीद जगा दी है। और सूरज के तेज तापमान से खुद को कैसे बचाएगा? क्या सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है? दोस्तों, ऐसा ही जबरदस्त जानकारी जानने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो और नासा की मेहनत और कामयाबी के लिए जय इसरो जय नासा जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सूर्य की गर्मी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से ही रहस्यों से भरी रही है और वैज्ञानिक कई सालों से इसके रिसर्च में जुटे हुए हैं। मगर पृथ्वी के नजदीक ये सितारा हमेशा से ही वैज्ञानिकों को हैरान करता आया है। सूर्य वैसे तो गैस से बना गोला है जो लगातार अंतरिक्ष में आग उगल रहा है, मगर आज से करीब 3 साल पहले एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी से निकला था, जिसकी मंजिल की सूरज। इस अंतरिक्ष यान को सूरज पर जाकर कई ऐसे राज पता लगाने थे जिनके बारे में वैज्ञानिकों को भनक तक नहीं थी, और इसलिए इस अंतरिक्ष मुसाफिर ने सूरज पर जाने की ठान लिया। उस अंतरिक्ष का नाम पार्कर सोलर प्रोब था। वैज्ञानिकों की माने तो पार्कर सोलर प्रोब ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो हम इंसान कभी सोच भी नहीं सकते थे। दरअसल अंतरिक्ष यान सूरज पर पहुंच चुका है। आपने बिल्कुल सही सुना, सौर मंडल के सभी ग्रहों को छोड़कर यह अंतरिक्ष यान बिल्कुल सूरज के नजदीक पहुंच चुका है। आपको पता ही होगा कि सूरज कितना गर्म है, लेकिन यह अंतरिक्ष यान सूरज के कोरोना वाले एरिया में घुस गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह मुसाफिर सूरज के इतना नजदीक क्यों गया और सूरज के नजदीक जलती हुई गर्मी को आखिर कैसे सहन कर ली और इसने इतने नजदीक जाकर वहां पर क्या देखा। तो चलिए आपको आज ले चलते हैं सूरज के भयानक दुनिया की सैर में। साथियों, एक दौर था जब हम केवल सूरज को आसमान में देखते थे, लेकिन आज वह दिन आ गया है जब हम इंसानों ने सूरज पर भी अपने अंतरिक्ष यान को भेजना शुरू कर दिया है। सूरज की वजह से ही आज हम पृथ्वी पर जिंदा है। इसकी वजह से ही पृथ्वी पर जीवन की प्रक्रिया हो पाती है। इसलिए यह सवाल तो लाजमी है कि सूरज को पूर्ण रूप से जानना हमारे लिए कितना जरूरी है। पार्कर सोलर प्रोब के जाने से पहले हमने सूरज को केवल दूर से ही स्टडी किया था,
मगर वैज्ञानिकों की मेहनत से हमने इस आग के गोले को भी छू लिया है। सबसे पहले हम इस बात पर नजर डालते हैं कि आखिर सूरज के आसपास ऐसा क्या है जो इस अंतरिक्ष यान को नजदीक जाने से मुश्किल बनाता है। जिस प्रकार पृथ्वी ठोस होता है, उस तरह से सूरज के पास कोई ठोस सतह नहीं है, बल्कि आग उगलता गोला कई तरह के सोलर मटेरियल से मिलकर बना हुआ है और सूरज का जो बाहरी आवरण है वो भी बहुत ही ज्यादा गर्म है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इतना गर्म होते हुए भी सूरज पर अंतरिक्ष यान भेज दिया। सूरज की प्रचंड गर्मी, उसका ग्रेविटी फोर्स और सोलर वाइंड, साथ ही सूरज पर उठने वाले आग के तूफान जो किसी भी अंतरिक्ष यान को नजदीक आने पर उसे नष्ट कर सकते हैं, इन खतरों को पार करते हुए नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूरज के सबसे नजदीक जा पहुंचा है। सूर्य का ऊपरी वातावरण है जिसे कोरोना कहा जाता है, उसने अंतरिक्ष यान में इंटर कर लिया है। यह हम इंसानों की एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि सूर्य के इतने नजदीक जाने वाला यह पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट है। सूरज हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, मगर कई लंबे सालों के रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक सूरज के कई राज से पर्दा नहीं उठा पा रहे थे। सूर्य की चमक और उसके चारों ओर बना चुंबकीय क्षेत्र वैज्ञानिकों की पहुंच को सीमित कर देता है। पार्कर सोलर प्रोब को सूरज का अध्ययन करने के लिए 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया था और यह स्पेसक्राफ्ट 28 अप्रैल 2021 को सूर्य के वातावरण के बाहरी हिस्से यानी कोरोना में प्रवेश करता है। यह यात्रा वैसे तो बहुत छोटी थी, इसमें उसकी दूरी सूरज की तरह से मात्र 1.33 करोड़ किलोमीटर थी, लेकिन यही वह पल था जब यान सूरज के सबसे करीब था। हालांकि इसने यह कारनामा 28 अप्रैल 2021 को ही कर दिया था, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने आंकड़ों के विश्लेषण के बाद हाल ही में इसकी जानकारी साझा नहीं की है। जब यह अगली बार सूरज के नजदीक जाएगा तो सूरज करीब से गुजरेगा और इसी क्रम में 2025 में यह यान सूर्य से 61.6 लाख किलोमीटर की दूरी तक पहुंच जाएगा और यह सूर्य से इसकी सर्वाधिक नजदीकी दूरी होगी। सूर्य के आग उगलती दुनिया पर कदम रखने वाले इस पार्कर सोलर प्रोब की लंबाई 1 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर है और चौड़ाई करीब 3 मीटर है। सूर्य का वायुमंडल, जिसे कोरोना भी कहा जाता है, उसका तापमान लगभग 11 लाख डिग्री सेल्सियस है। इतनी गर्मी कुछ ही सेकंड में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थों को पिघला सकती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यान को सूरज की उबलती गर्मी से बचाने के लिए इसमें एक सीड लगाई थी, जो कि लाखों डिग्री के तापमान में भी अंतरिक्ष यान को सूर्य के ताप से बचाने का काम करता है। पार्कर सोलर प्रोब के ऊपर 4.5 इंच मोटा कार्बन मिश्रित कवच लगाया गया है कि जो सूर्य के अधिक तापमान से इसकी सुरक्षा करता है। साथ ही इसको शील्ड फाइबर और ठोस कार्बन से तैयार किया गया है और इनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे क्राफ्ट है जो बिना किसी सुरक्षा के स्पेस क्राफ्ट से चिपके हुए हैं। वैज्ञानिकों की माने तो यह दोनों स्पेसक्राफ्ट सीधे तौर पर सूरज की गर्मी में थे और उनकी कोई भी सुरक्षा नहीं की जा सकती थी, जिसकी वजह से यह दोनों सूरज की गर्मी से पूरी तरह से लाल हो गए थे। वैज्ञानिकों ने इसे सूरज की गर्मी से बचाने के लिए उनका निर्माण टंगस्टन, नाइलोपियन, मोलिब्डेनम और नीलम जैसे कुछ गलनांक धातुओं और पत्थरों से किया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अंतरिक्ष यान सूरज पर जाकर क्या हासिल करना चाहता है। दरअसल दोस्तों, अंतरिक्ष यान से 3 प्रमुख चीजों का अध्ययन करेगा। सूरज के बारे में सबसे हैरान कर देने वाली जो जानकारी है कि आखिर इसके बाहरी वातावरण का तापमान इसके सेंटर से ज्यादा क्यों है, यही सवाल वैज्ञानिकों को कई सालों से परेशान कर रहा है। और खास तौर पर वैज्ञानिकों ने इसी सवाल के जवाब के लिए पार्कर सोलर प्रोब को वहां पर भेजा है। एक और सवाल जो नासा के वैज्ञानिकों को उलझाए हुए हैं कि आखिर सूरज क्यों आग की लपटों को अंतरिक्ष में फेंक रहा है।
और उससे भी हैरान कर देने वाले जो बात है वह यह है, आग की लपटें जो सूरज के ऊपर उठ रही है और वापस सूरज के अंदर जाकर क्यों गिर रहा है, वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही बढ़िया अनसुलझी पहेली है। लेकिन यही सोलर फ्लेयर अगर तेजी से उठकर कोरोना को पार कर लेती है और वह सोलर वाइंड के रूप में पृथ्वी की तरफ आने लगती तो क्या होगा, इसका भी वैज्ञानिक पता लगाना चाहते हैं। इन अध्ययन से हम धरती पर आने वाले सौर तूफानों के बारे में स्टडी करके उनसे बच सकते हैं। और जब जब सूरज के करीब से गुजर रहा था तो इसके बारे में नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि वह सबसे खतरनाक समय था जब पार्कर सोलर प्रोब 5 घंटे तक कोरोना के अंदर बहुत तेजी से जा रहा था और उस दौरान उसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। उन्होंने बताया कि जितनी उम्मीद थी कोरोना उससे ज्यादा धूल से भरा हुआ था। भविष्य के कोरोना के भ्रमण से वैज्ञानिकों को सूर्य की उत्पत्ति को बेहतर ढंग से समझने के लिए मदद मिलेगा। वैज्ञानिकों ने कहा कि आगे यह भी पता लगाएंगे कि कैसे सूरज की रोशनी गर्म होती है, क्योंकि सूरज के पास ठोस सतह नहीं होती है, इसलिए सूरज की बाहरी परत यानी कोरोना धूल और गैसों से बनी हुई है। अगर सोलर फ्लेयर अंतरिक्ष में चली जाए तो पृथ्वी पर जीवन को भी खतरा हो सकता है, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। दोस्तों मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।